हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कार जानकार में। और आज मैं देने वाला हूं आपको रिव्यू, महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का वॉक अराउंड रिव्यू है। जान रहा हूँ दोस्तों ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन दोस्तों यही मैं इस समय मतलब ऐसा ही वॉक अराउंड रिव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मेरे जो पास जो फ़ोन है उसका कैमरे क्वालिटी अच्छी है नहीं। बाद में जैसे ही हम कोई नया फ़ोन लेने की कोशिश करेंगे, बाद में आपको वॉक अराउंड रिव्यू ज़रूर देंगे। कोशिश करते हैं हम कि बहुत ही बढ़िया वीडियो बना सकें, इसी वजह से मैंने सोचा कि ऐसे भी मैं आपको वॉक अराउंड दे दूँ, और इसमें भी मुझे लगता है कि आपको कोई खास दिक्कत नहीं होगी। जान रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब रियल में और ज़्यादा बढ़िया लगता है, लेकिन इस समय दोस्तों मैं ऐसा ही रिव्यू दे सकता हूँ। बाकी मैं पूरी डिटेल कवर करने की कोशिश इसमें ज़रूर करूँगा। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ये महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है, और इसका ये कुछ ऑरेंज वाला कलर है, बढ़िया लग रहा है, और फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है। बाकी चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और आप भी प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को बाद में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि ये स्कॉर्पियो एन आपको कैसी लगी, क्योंकि मतलब लुक काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है, तो कई लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, और कई लोगों को आ भी रही है पसंद। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, टोटल मैं यहाँ पे गिनती बता दूंगा कितने कलर ऑप्शन दिए जाएंगे। वाइट तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, वाइट एंड ब्लैक और एक गोल्डन कुछ कलर है, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे बढ़िया लगा। बाकी आपकी क्या चॉइस है कमेंट में बाद में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर ब्लैक में ही हम चलिए रिव्यू शुरू करते हैं, ब्लैक कलर हमें यहाँ पर मिल चुका है, और चलिए रिव्यू इसका सीधे शुरू करते हैं। फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ग्रिल जो इसकी है कुछ ऐसी है, और प्रोजेक्टर हेडलाइट में यहाँ पे आप देख सकते हैं डुअल प्रोजेक्टर्स हैं, और नीचे एलईडी डीआरएल का सेटअप दिया गया है फॉग लैंप में। अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जो बम्फर है काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया लग रहा है नीचे से, तो बाकी इसमें एसेसरीज़ भी काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर है दोस्तों ऊपर मेन चीज़, बाकी आप तो देख के समझ ही गए होंगे, ये है दोस्तों महिंद्रा स्कॉर्पियो में आने वाला सनरूफ। अब सनरूफ भी आने लगा है स्कॉर्पियो एन में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो चुका है, और कुछ ऐसा लुक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है, सफिशिएंट है। जिन लोगों को लगता था कि इसमें सनरूफ नहीं है, अब सनरूफ इसमें हो गई है। ये कुछ इसका साइड लुक है, साइड लुक अगर आप देखेंगे तो मतलब बढ़िया ही है। इसके अलॉय व्हील्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहे हैं, अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और साथ ही साथ कलर तो धाकड़ लग ही रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो शायद मुझे लगता है यहाँ पे चढ़ने के लिए वो नहीं दिया गया है, जिसे कहते हैं कि नीचे लगता है, क्या कहते हैं और नाम उसका मैं भूल रहा हूँ दोस्तों, तो क्या कहते हैं अगर यहाँ, हाँ स्टैंड नहीं मिल रहा है। पीछे का कुछ ऐसा लुक है इसका, और लुक अगर आप यहां पर देखेंगे तो मतलब ये वेगनार वाली टेल लाइट लगी हैं, बढ़िया जल रही हैं, और लग भी बढ़िया रही हैं, रियलिटी में और भी ज़्यादा बढ़िया लगेंगी। और पीछे का कुछ ऐसा लुक है, गेट उसी स्टाइल में खुलेगा जैसे पहले खुलता था, 4 Explore मतलब 4WD आपको गाड़ी मिलेगी। स्कॉर्पियो एन की बैजिंग है, और यहाँ कंप्लीट लुक है, आप देख सकते हो, साइड का भी लुक देख सकते हो। दोस्तों साइड में एक चीज़ मिसिंग है, अगर आप थर्ड पैनल देखोगे, क्वार्टर पैनल, तो जो पहले की स्कॉर्पियो थी उसमें प्लास्टिक का कुछ आता था, वो बढ़िया लगता था। यहाँ पे थोड़ा टाटा सफारी का कॉपी किया गया है, जैसे टाटा सफारी में नीचे लाइट्स आती थी। बाकी हो सकता है और भी बढ़िया ही लुक लग रहा है, इसमें कोई दोराय नहीं है। गेट यहाँ पर खुल चुका है, बूट स्पेस यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा ही नहीं, सिर्फ बैग रख पाएंगे। अगर सूटकेस की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे सूटकेस आ पाएगा। और कुछ ऐसा गेट है, आप गेट पीछे से भी ओपन कर सकते हो, लेकिन इसका लॉजिक यहाँ पर दिख नहीं रहा है, क्योंकि सीट तो मतलब फ्रंट फेसिंग है, बट हो सकता है कि दूसरे टाइप की भी सीट्स आएँ। यहाँ पर गेट हमने कर दिया है क्लोज़, और कोशिश यही कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे पाऊँ। यहाँ पे आपको कीलेस एंट्री मिलने वाली है, और लेकिन जो उसकी की मिलेगी मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, वही महिंद्रा XUV 700 वाली मिलेगी। मैं यहाँ पे एक फ़ोटो दिखा दे रहा हूँ कैसी की मिलेगी, और वही सेम उसमें भी चाबी मिलेगी। यहाँ पे कोई रिमोट मिलेगा, लेकिन उसमें भी चाबी आपको इंटीग्रेटेड मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो लुक कुछ ऐसा है, क्रोम का काफ़ी बढ़िया यूज़ किया गया है, रिक्वेस्ट सेंसर आपको मिल जाता है काफ़ी बढ़िया जगह, पीछे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, और डोर्स पे रिक्वेस्ट सेंसर मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ ये इसका फ्रंट लुक तो मैंने दिखाई दिया, बाकी यहाँ पे फ्रंट बोनेट पे कुछ एक चीज़ मिसिंग है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या माजरा है और क्या हुआ है। यहाँ पर एंट्री नहीं मिली हमें गाड़ी में, लगता है हमने की का इस्तेमाल नहीं किया। और आ गए हैं दोस्तों हम अंदर गाड़ी के, और ये कुछ ऐसा लुक है, देखने में तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है मुझे कि मैं रियल में ही मतलब देख रहा हूँ। और मुझे लगता है इंटीरियर का कलर वही सेम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है मुझे। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब बढ़िया लग रहा है, लग्जीरियस लग रहा है। अब सीट वीट तो हम टच कर नहीं सकते हैं इसमें, लेकिन जितना भी है बढ़िया है,
और कॉस्मेटिक लुक तो इसमें बढ़िया है। स्पीकर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिए गए हैं, 3D सोनी का आपको सिस्टम दिया जाएगा 3D स्पीकर्स के। और यहाँ पे सनरूफ है, सनरूफ के यहाँ पे कंट्रोल्स हैं, लाइट्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया ही है। और सॉफ्ट टच आपको मिलेगा, आपको ऊपर सॉफ्ट टच मिलेगा ऐसा महिंद्रा ने कहा है और मिल भी रहा है। अगर आप और भी रिव्यू देखेंगे तो उसमें लोग दिखा रहे हैं और सच में मिलेगा ऐसा पेपर में भी लिखा हुआ है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब वही सारी सेम चीज़ें हैं, स्टीयरिंग यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे, ऑटो अप डाउन सब नहीं है, सिर्फ एक ही है। और यहाँ पे आप जिस तरीके देख सकते हो हैंडल वैंडल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया सिल्वर कलर में, मतलब प्रीमियम, और 20 लाख में आप क्या लोगे। यहाँ पे स्पीडोमीटर देख सकते हो, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, थोड़ा सा बोल्ड नहीं लग रहा है लेकिन ठीक है। और बीच में आपको क्या कहते हैं मीटर मिल जाता है बढ़िया सा। सीट्स काफ़ी ज़्यादा मतलब लग्जीरियस, आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फील आने वाली है। यहाँ पे इंफोटेनमेंट उतना बड़ा आपको नहीं दिया गया है जितना बड़ा देना चाहिए, जितना बड़ा SUV में उतने मुझे तो नहीं लग रहा है बड़ा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4WD के कंट्रोल्स हैं, गियर लीवर है, ऑटोमेटिक वेरियंट इस समय हम लोग देख रहे हैं। और अगर आप छत पर देखेंगे तो छत वही है, मतलब सनरूफ है तो थोड़ा सा क्या कहते हैं पीछे तक इसने जगह ले रखी है। और बाकी सनरूफ अगर हम यहाँ पर क्लोज कर दें तो कुछ ऐसा है, इतनी बड़ी सनरूफ है आपने तो पहले देख ही लिया है। और चलिए ये कुछ ऐसी सीट्स हैं और बाकी तो बढ़िया है। आपको इसमें मतलब क्या कहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा फीचर मिलने वाले हैं, MLD 4WD मतलब प्रॉपर ऑफ रोडिंग के लिए फ़ीचर्स मिल जाएंगे। और सीट्स अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये कुछ ऐसे AC वेंट्स मिल रहे हैं, यहाँ पर मुझे लगता है 2 AC वेंट्स हैं। और AC के कंट्रोल्स भी हैं, USB केबल के लिए पोर्ट भी दिया गया है, और साथ ही साथ सीट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पीछे भी दी गई हैं, आप हाइट पे बैठोगे। और यहाँ पे सीट बेल्ट्स के वो दिए गए हैं, और पीछे देखा जाएगा क्या है, और पीछे भी स्पीकर्स लगे हैं, एयर बैग्स आपको काफ़ी ज़्यादा। ये गाड़ी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा सेफर रहने वाली है, वैसे होनी भी चाहिए सेफ। और चलिए पीछे वाली सीट पे हम आते हैं थर्ड रो में, और थर्ड रो में आप देख सकते हो कुछ ऐसा स्पेस मिलेगा, मुझे तो नहीं लगता खास यहाँ पर कुछ मिलने वाला है स्पेस में। और यहाँ पर ऐसी इवेंट्स नहीं दिख रहे हैं दोस्तों, AC इवेंट्स हाँ मुझे लगता है इसमें AC इवेंट्स इन्होंने दिया ही नहीं है थर्ड रो में। अगर आप लोगों को ध्यान होगा जिन्होंने पुरानी महिंद्रा स्कॉर्पियो चलाई है उनको ये चीज़ ज़रूर पता होगी कि जो उसमें स्कॉर्पियो में थर्ड रो में AC इवेंट्स आते ही नहीं थे। और खैर इस वजह से भी था क्योंकि वहाँ पर सीट्स ऐसी थी, मतलब फ्रंट फेसिंग सीट्स नहीं थी, वो साइड फेसिंग सीट्स थी, तो आमने सामने लोग बैठते थे, तो उसमें मुझे लगता था कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन इन्हें AC इवेंट्स देना चाहिए था। मुझे लगता है वही पुरानी स्कॉर्पियो की तरह ही कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जैसे उसमें कोई थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिसिंग थी इसमें भी करेंगे। और लुक आप लोग तो यहाँ पर देख लिए हो, बाकी मुझे तो अभी भी स्कॉर्पियो क्लासिक पसंद है, आदत सी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी दिखती है वो, और इतना भी लग्जीरियस ठीक है, बढ़िया ही है वो भी, मतलब आप ये कर सकते हो उसमें प्रॉपर फील आती है स्कॉर्पियो की, ये भी बढ़िया ही है। लेकिन इसमें बोनट के स्कूप गायब है, वो इन्होंने नहीं दिया है, बाहर से लगवा सकते हैं लगवाना चाहें तो। बाकी दिखने में बढ़िया ही है, और सफारी की भी थोड़ी थोड़ी सी कॉपी लगती है, और वैगनार की तो लगती है पीछे से। और जब लाइट्स जलेंगी तो कुछ ऐसा लगेगा, डोर खुलेंगे ऐसा रहेगा, डोर बंद हो जाएंगे कुछ ऐसा रहेगा। कलर ब्लैक वापस हमने ले लिया है, ब्लैक में काफ़ी ज़्यादा गाड़ी जचती है, जचती इस वजह से है क्योंकि ब्लैक कलर तो हमेशा से मतलब लोगों का फेवरेट रहा है, वो भी ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो, वाह ही वाह। यहाँ पे इसी कलर में आपको एड्स दिखाए गए थे जो आते थे आपको क्या कहते हैं दिखाने के लिए प्रचार प्रचार, और ये कलर काफ़ी ज़्यादा मतलब जिनको ना कलर से काफ़ी ज़्यादा प्यार, जैसे ऑरेंज ऑरेंज वो इस पे जा सकते हैं, रेड पे भी जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपने कभी रेड स्कॉर्पियो देखी है, जो क्लासिक वाली मतलब पहले वाली रेड स्कॉर्पियो आपने देखी है कमेंट में ज़रूर बताएँ, क्योंकि मैंने तो ज़्यादातर रियलिटी में कभी नहीं देखा है। और यहाँ पे सिल्वर कलर देख सकते हो, ये कलर काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है दोस्तों, ये कलर ना इसमें आपको पता नहीं चलेगा लेकिन रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, रियलिटी में देखेंगे तो लगेगा कि क्या कहते हैं सोने वाली कार है, लेकिन बढ़िया ही है। और 20 लाख रुपए में आप और क्या लेंगे। और यहाँ पे कुछ नाइट लुक मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, नाइट लुक में कुछ ऐसा लगेगा। और मैंने यहाँ पे पूरी कोशिश की है आपको डिटेल देने की, बाकी आपको जो डिटेल लग रहा है कि मिसिंग है आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा और मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और यही है हो सकता था जितनी मैं डिटेल दे पाया, बाकी और भी डिटेल हम देने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसी लगी, ये मेरी कोशिश कैसी लगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मतलब बढ़िया ही दिखती है स्कॉर्पियो, मतलब आप और क्या कह सकते हो, और जैसी भी है बढ़िया ही है। और इसमें आपको मतलब जैसे यहाँ पे क्या कहते हैं फुट स्टेप, हाँ नाम याद आ गया है, वो नहीं मिलने वाले हैं। और मुझे लगता है हाइट थोड़ी इसकी कम है, चढ़ने वढ़ने में आप चढ़ जाओगे। बाकी तो ठीक है, कलर आपको मैंने कंप्लीट दिखा दिया है,
और कलर के नाम भी मैं आपको बता दूंगा। पीछे से कुछ ऐसा लुक है, मैंने आपको बता दिया है। और ये क्या लगती है पीछे से ब्लैक कलर में, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। लेकिन पुरानी स्कॉर्पियो तो पुरानी है, मैं उसका कंपैरिजन वीडियो भी ज़रूर लेके आऊँगा और ओल्ड महिंद्रा स्कॉर्पियो पे वीडियो भी लेके आऊँगा। और आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग सब्सक्राइब करेंगे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सामने से कुछ ऐसा है। बाकी तो आप सब तो जान ही रहे हैं कि गाड़ी कैसी है, और आप लोग रियल में ज़रूर जाके देखिएगा और मैं भी रियल रिव्यू ज़रूर लाऊँगा। और बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजन की डिटेल्स। आपको 2.2 लीटर का इंजन मिलेगा, 400 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा डीजल में। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब बढ़िया ही है, पावरफुल इंजन आपको दिया जाएगा। फॉर्चूनर से ये एक चीज़ बता दें हम, फॉर्चूनर को ये कड़ी टक्कर देने वाली है। और एम हॉक का इंजन यूज़ किया जाएगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, पेट्रोल में भी रहेगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एम हॉक का डीजल इंजन भी रहेगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाली है गाड़ी। बाकी आपके क्या ख्याल हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, आप स्कॉर्पियो की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी आपके क्या कहने हैं, और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो डिटेल मुझसे छूट गई हों। और यहाँ पे आप फीचर देख सकते हैं, इंटीरियर इतने सारे फीचर्स हैं। और यहाँ पे सोनी का ऑडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था 3D सराउंडिंग, गाना सुनेंगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा, पीछे से भी आवाज़ आ रही है, कहाँ कहाँ से आवाज़ आ रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे एयरबैग्स, आप सेफ्टी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया होने वाली है। किया करेंस में इतने सारे बैग दिए गए लेकिन 3-स्टार रेट कर पाई है, देखते हैं ये कितने कर पाएगी। वैसे मुझे तो लगता है अच्छे खासे स्कोर कर ले जाएगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ड्राइव मोड्स भी इसमें आपको मिलने वाला है। बाकी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि इतने पैसे में ये गाड़ी वर्थ है कि नहीं है, और क्या ये आपको गाड़ी पसंद है या आप पुरानी स्कॉर्पियो पे ही जाएंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, 12 लाख से गाड़ी शुरू होने वाली है और जो प्राइसिंग्स आई हैं वो सिर्फ इस समय 25,000 बुकिंग्स के लिए ही आए हैं, बाद में शायद इंक्रीज़ हो जाए। बाकी आपका क्या कहना है प्राइस के बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही हम हैं। और सो दोस्तों चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ आप लोग भी शेयर करें वीडियो को, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सबकी राय अलग अलग हो सकती हैं लेकिन काम की भी हो सकती हैं। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दोस्तों चलता हूँ, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।